नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, हर कोई मल्टीबैगर स्टॉक के तलाश के चक्कर में लगा रहता है। हर कोई चाहता है कि उसको मल्टीबैगर स्टॉक मिले, लेकिन हम सभी मल्टीबैगर स्टॉक को सिलेक्शन के चक्कर में कई बार गलतियां कर देते हैं। कई बार ऐसे कचरा स्टॉक को उठा लेते हैं जो हमारे वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। लिहाजा मल्टीबैगर स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले हमें कुछ उसके विशेषताओं को जानना चाहिए कि वो क्या विशेषताएं होती हैं जो किसी स्टॉक को मल्टीबैगर स्टॉक बनाता है। मल्टीबैगर स्टॉक मित्रों, उस पर कोई अलग से सुरख्वाब नहीं लगे होते, कोई अलग से उस पर सितारे नहीं लगे होते हैं या कोई हीरे नहीं जड़ित होते हैं कि हम उसको देखते ही पहचान लेंगे कि फला स्टॉक जो है आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक होगा। सभी स्टॉक दिखने में एक ही जैसे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कोई कंपनी लगातार परफॉर्म करती जाती है, यदि हम उसके साथ बने रहते हैं तो हमें एक न एक दिन वो मल्टीबैगर रिटर्न दे देती है। जैसे मित्रों, मैं उदाहरण की मैं बात करूं, जैसे शुरू में आप देखिए जो हमारे अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान वगैरह, उसी समय के विवेक मिश्रा, राहुल राय, तमाम बड़े बड़े स्टार आए। दिखने में सभी लोग लगते थे, सबकी लग एक एक दो दो फिल्म बहुत मेगा हिट हुई थी, लेकिन क्या आगे चल पाए? सबके सब खत्म हो गए। अब बचा कौन? जो लगातार परफॉर्म कर रहा है। आज के डेट में अक्षय कुमार, सलमान खान, अजय देवगन के दरवाजे पर बड़े से बड़े प्रोड्यूसर लाइन लगे खड़े रहते हैं। उनके पास डेट्स की प्रॉब्लम होती है कि किस फिल्म को साइन करे, किस फिल्म को साइन नहीं करे। और वहीं जो उसी समय के जो शुरू किए हुए जो स्टार थे उनको काम के लाले पड़े हुए हैं। इवन बाबी देओल जैसे स्टार को भी काम के लाले पड़े हुए हैं। तो हमें मल्टीबैगर स्टॉक होता क्या है? हम जो भी स्टॉक सेलेक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, अपने बाई करते हैं, उस स्टॉक में जो स्टॉक लगातार परफॉर्म करता जाता है, यदि हम उसके साथ बने रहते हैं तो आने वाले समय का वो मल्टीबैगर स्टॉक होता है। तो मल्टीबैगर स्टॉक कोई अलग से नहीं आता है, लेकिन उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आज हम बताएंगे। सबसे पहले तो हमें यह जानना है मित्रों कि मल्टीबैगर स्टॉक्स होता क्या है। मल्टीबैगर स्टॉक वो होता है मित्रों जो हमारे पैसे को साल, दो साल, तीन साल, चार साल के ड्यूरेशन में चार गुना, पांच गुना, कई गुना बढ़ा देते हैं। तो ऐसे स्टॉक कौन से हैं? हालिया के दौर पे मार्केट में पता किया जाए कि कौन से ऐसे स्टॉक रिटर्न दे चुके हैं, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आपका एशियन पेंट, HDFC, L&T, हावेल्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, यस बैंक, UPL, PD लाइट, भारत फोर्ज, ये सब के PI इंडस्ट्री, ये सब के सब जो है मित्रों मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं। पेज इंडस्ट्री, PI इंडस्ट्री, सिंफनी, ये सब के सब मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं। आप 10 साल 12 सालों की तुलना करें, 10 साल वो पहले, 15 साल पहले वो स्टॉक कहाँ थे और आज कहाँ है, तो आप देखेंगे मित्रों कि 100-200 गुना बढ़ चुका है ये शेयर्स, 100-100 गुना बढ़ चुका है ये शेयर्स में। तो मल्टीबैगर स्टॉक्स ऐसे ही होते हैं जो ओवर ए टाइम पीरियड, जो 10 साल 12 साल के दौरान हमको 50 गुना 60 गुना तक रिटर्न देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यदि हमारे पास पहले से ये स्टॉक जो पड़े हुए हैं, जो इतना रिटर्न दे चुके हैं, फिर हमें नए स्टॉक की जरूरत क्यों आन पड़ी है? उसके पीछे वजह ये होता है मित्रों कि जो ये स्टॉक है, जो रिलायंस इंडस्ट्री की बात की जाए, एशियन पेंट की बात की जाए, HDFC बैंक की बात की जाए, तो ये ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके हैं।
वो अपनी ऊंचाई की इस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि इनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ संभव नहीं है। हालांकि ग्रोथ तो होता ही होता है। ये सारे स्टॉक्स मित्रों मल्टी कंपाउंडर स्टॉक्स है। मल्टी कंपाउंडर से हमारा आशा यह है कि यदि आज की डेट में भी हम पैसा लगाना चाहते हैं और हम सुरक्षित गेम खेलना चाहते हैं और पैसे पे कम जोखिम लेना चाहते हैं, तो हम आसानी से शांतिपूर्वक इन स्टॉक में पैसा रख करके चैन की नींद सो सकते हैं। हर साल हमारा जो पैसा होगा 15-20% की चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ जाएगा। आज हमने 1,00,000 रुपया जिन मल्टीबैगर स्टॉक्स की मैंने चर्चा किया, यदि हम उसमें 1,00,000 रुपया लगा देवे मित्रों, तो अगले साल 1,20,000-25,000 के आसपास होगा, उसके अगले साल 1,50,000 होगा, उसके अगले साल पाएंगे 2,00,000 हो जाएगा। यानी इन स्टॉक्स में भी हम पैसा लगाते हैं तो 3 से 4 साल के दौरान यह पैसा डबल हो जाता है। लेकिन यदि हम ये सोचे कि हमारा पैसा 3 से 4 साल के दौरान 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, या 10 सालों के दौरान 100 गुना 200 गुना हो जाए, तो HDFC रिलायंस TCS में ये काबिलियत नहीं है। ये काफी ऑलरेडी पहले ही बढ़ चुके हैं। जैसे उदाहरण की हम बात करें कि TCS की बात करें तो वो जो है उसका मार्केट कैप इस समय 7,00,000 करोड़ के आसपास है, 8,00,000 करोड़। रिलायंस इंडस्ट्री की बात की जाए तो वो भी 8,00,000-9,00,000 करोड़ के आसपास है। ये बहुत जाता है। आज उनकी स्थिति ये है कि वो भारत के सबसे बड़ी कंपनियां हो चुकी हैं जिनमें हर साल 20-25% की दर से बढ़ रही है। लेकिन आप सोचिए कि यदि कोई वही छोटा शेयर कोई छोटी कंपनी ले जो 200-300 करोड़ का मार्केट कैप पे रन कर रही हो, 300 करोड़ का मार्केट कैप पे, तो यदि वो TCS के बराबर आ गए, समझ रहे TCS 3,00,000 करोड़, तो सीधे सीधे इसमें 10,000 गुने का रिटर्न आएगा। तो यही डिफरेंस होता है मल्टी कंपाउंडर्स और मल्टी बैगर्स के बीच में। मल्टी बैगर्स कई गुना रिटर्न देते हैं, मल्टी कंपाउंडर हर साल एक स्थिर और एक नियमित दर से वो रिटर्न देते जाते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि जब भी हम पोर्टफोलियो डिजाइन करें मित्रों, अपने पोर्टफोलियो का जब 50% हिस्सा होता है वो हमें मल्टी कंपाउंडर्स को देना चाहिए, क्योंकि यह जो है जब भी मार्केट में झंझवात होती है, जब जैसे जैसे गिरावट आती है, तो हमें यह सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमें 50% हिस्सा इन स्टॉक्स को देना चाहिए। मल्टीबैगर रिटर्न की स्थिति क्या होती है मित्रों, जो मल्टीबैगर स्टॉक हम सिलेक्ट करते हैं वहां पे 10 में से मुश्किल से 2 या 3 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो मल्टीबैगर रिटर्न देते हैं। उसमें से 5 से 6 स्टॉक कहां चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। लेकिन वही जो 1 स्टॉक होता है, 2 स्टॉक होता है जो हमको अपने भाग्य अपनी किस्मत से अपने मेहनत से यदि हमें मल्टीबैगर स्टॉक मिल जाता है तो हमारे जीवन को सफल बना देता है। तो हमें मल्टीबैगर की भी तलाश करनी चाहिए, उसमें अपने पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा मल्टीबैगर स्टॉक्स के लिए देना चाहिए। हालांकि जो बड़े बड़े अपने मार्केट के जो दिग्गज निवेशक हैं, उन निवेशकों को आप देखेंगे तो उनके पोर्टफोलियो में पहले से ही मल्टीबैगर से स्टॉक रखे रहते हैं। वो लोग फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं। फोकस्ड पोर्टफोलियो से ऐसे होता है कि अपने पोर्टफोलियो में 10-12 स्टॉक रखना, तो 10-12 स्टॉक वही सब छोटे छोटे वाले स्टॉक रख के रखते हैं। तो मल्टीबैगर स्टॉक मित्रों हमेशा मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी से मिला करता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक्स का हम चयन कैसे करें। तो सबसे पहले मित्रों मल्टीबैगर स्टॉक चयन करने से पहले हमें देखना चाहिए कि हमें किस सेक्टर में पैसा लगाना है, किस सेक्टर में ग्रोथ। हमें यह अनुमान लगाना है कि आने वाले फ्यूचर में कौन सा ऐसा सेक्टर होगा जिस सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रो हो सकता है। जैसे मेरी माने मित्रों तो आने वाले समय में जिस तरीके से स्विगी जोमैटो इस तरफ के जो टेक अवेज जो रेस्टोरेंट की जो श्रृंखला बढ़ती जा रही है, इस तरह के कंपनियों में पैसा बनने वाला है। उसी तरह से आप देखिए कि जो NBFC के जो बिजनेस आ रहे हैं, NBFC में जो इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, AMC का जो बिजनेस हो गया, जो म्यूचुअल फंड का हो गया, जो सिक्योरिटीज का जो बिजनेस हो गया, क्योंकि अभी भी अपने देश में मित्रों
पूरे जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का मुश्किल से 2-3% ही लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो रियल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे जैसे समय व्यतीत होगा लोगों का निवेश इन सब सेक्टरों में बढ़ता ही जाएगा, तो जब बढ़ेगा तो पैसा ह्यूज होगा। तो मेरे निगाह में वेल्थ क्रिएशन या मल्टीबैगर स्टॉक जिस सेक्टर से निकलेंगे, एक सेक्टर मैंने बताया टेक अवेज रेस्टोरेंट, दूसरा बता दिया मैंने एनबीएफसी सेक्टर, इसी तरह से तमाम सेक्टर है जिन सेक्टरों में सरकार की योजनाएं चला करती हैं, उस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हमको सेक्टर देखना है, किस सेक्टर से हमको जाना है। अब उस सेक्टर से हम कंपनियों की लिस्ट खोलते हैं, मनी कंट्रोल पे, एनएससी पे, बीएससी पे, तमाम वेबसाइट्स पड़ी हुई है, उन वेबसाइट में जा करके हम कंपनियों को सर्च कर सकते हैं। तो जो भी हम कंपनी सर्च करें मित्रों, हमारे यह प्रयास रहे कि उस कंपनी का जो मार्केट कैप हो कम से कम 300 करोड़ हो, 300 करोड़ से नीचे नहीं हो, क्योंकि 300 करोड़ से जो नीचे की कंपनियां होती हैं मित्रों वो माइक्रो कैप कैटेगरी में आती है, और जितना ही हम नीचे चलते जाते हैं उतना ही हमारा जोखिम का लेवल बढ़ता जाता है। जितना ही हम नीचे चलते जाते हैं मित्रों उतना ही कंपनियों के बारे में आंकड़े, जो जानकारियां होती है, जो सूचनाएं होती है वो कम मिलती हैं, तो जोखिम हमारा बढ़ता जाता है। तो लिहाजा एक लेवल बना ले, हम डिसाइड कर ले कि हमें कम से कम 300 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनियों को लेना है। नंबर दूसरा हो गया मित्रों कि जो भी हम कंपनी सेलेक्ट करने जा रहे हैं उस कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें। ऐसा नहीं हो कि वो कंपनी आज ही शुरू हो गई हो, कल शुरू हो गई हो, हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। उस कंपनी का कम से कम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो। 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड होने से फायदा ये होता है मित्रों कि 10 सालों में ऐसा माना जाता है कि कंपनी तमाम जो मार्केट के उतार चढ़ाव, जो तेजी मंदी, सभी परिस्थितियों को वो झेल चुकी होती है। तो जब झेल चुकी होती है वो और टिकी हुई है, वो टिकी हुई तभी है जब उसके अंदर कुछ ना कुछ दम है। तो जाहिर सी बात है मित्रों, तो मेरा विचार ये होता है कि कंपनी उस कंपनी को सर्च करिए, खोजिए जो कंपनी कम से कम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो अपने से उस लिस्ट से 10 साल पुरानी कंपनियों को ही चयन करिए और बाकी को बाहर कर दीजिए। तीसरे नंबर पर मित्रों आता है कंपनी का पीई लेवल। देखिए पीई लेवल क्या होता है, ये पीई लेवल होता है मित्रों प्राइस अर्निंग रेशियो। ये पीई लेवल बताता है कि एक कंपनी में हम एक रुपया कमाने के लिए हम कितना पैसा लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी कंपनी का पीई यदि 20 है, तो यदि हम 20 रुपया लगाते हैं तो हमको उसको साल भर में 1 रुपया मिलेगा, और वही यदि किसी कंपनी का पीई 10 है इसका मतलब हम 10 रुपया लगाएंगे तो हमको 1 रुपया मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो 10 रुपया पीई वाला हो गया वह पीई जो शेयर हो गया हमको सस्ते भाव पर मिलता है, वो ज़्यादा रिटर्न देता है। तो जो भी हम स्टॉक सेलेक्ट करें उस स्टॉक का पीई 10 से कम हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि 10 के ऊपर हम पीई को नहीं ले सकते, लेकिन लो वैल्यूएशन माना जाएगा। अगला है मित्रों उस कंपनी को देखिए कि जो उसका बुक वैल्यू होता है वो अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू क्या होता है पहले ये भी जान लीजिए मित्रों। बुक वैल्यू से आशा यह होता है मित्रों कि यदि किसी कंपनी की सारी संपत्तियों को बेच दिया जाए तो एक शेयरधारक के पास कुल कितना पैसा मिलेगा, वो बुक वैल्यू होता है। तो हमें ये देखा जाए कि जो वो कंपनी है वो कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है तो ज़्यादा सही। बुक वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू भी कम हो। और एक जानकार का मानना है मित्रों कि पीई इंटू प्राइस बाई बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू को जब प्राइस में भाग करेंगे तो जो आएगा वो पी बाई बी होता है। तो पीई इंटू पीबी जो है 22 के आसपास हो तो वह स्टॉक अच्छा होता है।
इसका अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है मित्रों, कंपनी का जो हम मार्केट कैप देख रहे हैं, मार्केट कैप और जो उसकी सेल्स हो, जो टर्नओवर जिसको हम कहते हैं, वो लगभग बराबर होना चाहिए। कई बार ऐसा क्या होता है कि कई कंपनियों का जो मार्केट कैप होता है वो उनके सेल्स की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है। आप जैसे अभी मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था वरुण बेवरेज पर, तो जो वरुण बेवरेज का सेल्स है मित्रों, मार्केट कैप है, वो ह्यूज अंतर है। मार्केट कैप उसके सेल्स का 5 गुना है। तो जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं वो स्टॉक पहले काफी बढ़ चुके होते हैं, वो स्टॉक्स मल्टीबैगर स्टॉक्स नहीं होंगे लेकिन कंपाउंडर स्टॉक होंगे। हर साल 20% 25% की दर से बढ़ते रहेंगे लेकिन कंपाउंडिंग रिटर्न, वो मल्टीबैगर रिटर्न नहीं। तो हमें उस स्टॉक को उठाना चाहिए मल्टीबैगर रिटर्न के तौर पर जो सेल्स और मार्केट कैप दोनों लगभग बराबर। उसका अगला है मित्रों कि उस कंपनी का ईपीएस लगातार बढ़ता हुआ हो, प्रयास यह करें कि ईपीएस कम से कम 10% के दर से बढ़ता रहे। ईपीएस क्या होता है मित्रों? अर्निंग पर शेयर, यानी जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट को शेयरों की संख्या से विभाजित कर दिया जाए तो जो आता है वो ईपीएस होता है, वो एक शेयर का लाभ होता है। तो एक शेयर का लाभ कितना होगा, हर साल ये ईपीएस बढ़ती रहनी चाहिए। प्रयास करिए उस स्टॉक को सिलेक्ट करिए जिसका ईपीएस हर साल लगभग 10% की दर से बढ़ जा रहा। उसका अगला है डिविडेंड पेइंग कंपनी। डिविडेंड पेइंग कंपनी से हमारा जो अच्छाई होता है, जो हम कहें कि जैसे हमने कोई कंपनी मान लीजिए लिया 100 रुपये के भाव पर शेयर हमने लिया और वो हर साल कंपनी 3 रुपया डिविडेंड दे देती है उदाहरण के, तो जैसे जैसे डिविडेंड हमको देती जाती है हमारा जो 100 रुपया होता है वो फ्री होता जाता है। यानी 100 रुपये में पिछले एक साल में 3 रुपया दिया तो 3 रुपया अपने मूल भाव से कम कर दिया, यानी अब वो जो शेयर का भाव रह गया 97 रुपये रह गया, अगले साल मान चलता है कि 4 रुपया डिविडेंड दिए तो 97 में से 4 कम हो गया यानी कि 93 रुपये बच गया। तो कुल मिला के डिविडेंड यदि हमें मिलता है तो शेयर हमारा धीरे धीरे एक समय बाद फ्री हो जाता है, वो शेयर मुफ्त का होता है। तो हमें ये देखना है कि डिविडेंड कंपनी लगातार दे रही हो, नंबर एक, और दूसरी चीज डिविडेंड में भी लगातार वृद्धि हो रही हो। हालांकि डिविडेंड देने वाली सभी कंपनियां अच्छी नहीं होती है, कुछ कंपनियां ऐसी खराब क्वालिटी की भी होती है जो अपने आप को अच्छा दर्शाने के लिए डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड देना भी एक अच्छी कंपनी का परिचायक नहीं है। क्योंकि जैसे रिलायंस इंडस्ट्री की बात की जाए मित्रों, वो डिविडेंड कम देती है लेकिन जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को लगातार दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करती है। तो होता क्या है कि जब दूसरी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती है तो वो वेल्थ क्रिएट होता है, कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, तो इन्वेस्टर्स की भी वैल्यू बढ़ती है। तो डिविडेंड भी मिलना चाहिए, तो डिविडेंड भी ठीक ठाक मिलता रहे, कम से कम 1% 1.5% के आसपास होना चाहिए और लगातार बढ़ता रहना चाहिए। उसका अगला है मित्रों कि कंपनी का जो आरओई है और जो आरओसीई है, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों भी लगभग 15% के दर से बढ़ रहे हैं। दोनों बहुत ह्यूज अंतर लाते हैं किसी भी बिजनेस के ग्रोथ में। तो आरओसीई लगभग 15% के आसपास हो और आरओई 10% के आसपास हो, दोनों 15% के आसपास हो, बहुत जल्दी जल्दी। इसके अतिरिक्त मित्रों कंपनी पर देखा जाए तो डेप्ट बहुत ही कम होना चाहिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है लगभग 1 से नीचे होना चाहिए। डेप्ट यदि ज़्यादा होता है मित्रों तो कंपनी पे अक्सर में संकट आता है, क्योंकि हमें जैसे हम ही यदि लोन ले लेवे मित्रों, कर्ज ले लेवे, हमारे ऊपर कर्ज हो तो कर्ज का ब्याज भी तो हमें हर साल देना पड़ता है, तो वो ब्याज कहाँ से जाता है, वो हमारी कमाई से ही तो जाता है।
तो कंपनी के ऊपर यदि कर्ज ज्यादा है तो अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन्हें कर्ज के भुगतान में देना पड़ता है। तो प्रयास यह करना चाहिए कंपनी मित्रों कि जिस भी कंपनी को सिलेक्ट करें उस पर कर्ज ना हो, और कर्ज हो भी तो बहुत कम हो, यानी 1% से, जो उसकी डिप्ट एक्टिव रेशियो होता है वो 1% से नीचे हो। इसके बाद मित्रों, जो कंपनी जब डेप्ट है तो अब उसके हम डेप्ट के भुगतान को भी देखेंगे कैसे भुगतान कर, वो कंपनी कभी भी पेमेंट में डिफॉल्ट न की हो, लगातार उसका पेमेंट जा रहा हो, इसके बाद उसका जो कर्ज है कर्ज का लेवल भी लगातार कम हो रहा है। इसके बाद अगला है मित्रों कि कंपनी का जो सेल्स है वो सेल्स भी लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, एटलीस्ट 15% 10% के ऊपर तो बढ़ना ही पड़ता है, 10 से 15%, क्योंकि अब किसी देश की जो मुद्रा स्फीति यदि 5% 6% बढ़ रही हो तो सेल्स भी कंपनियों का बिजनेस भी तो 5% से ऊपर बढ़ना ही चाहिए। तो एक मानक बना लिया जाए कि 10% की दर से वो बढ़ते रहने चाहिए। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहा, वो भी 10% 15% दर से लगातार बढ़ता। इसके बाद मित्रों यह भी देखा जाए कि कंपनी का जो शेयर्स हो वो प्लेज न शेयर किया हो। प्लेज शेयर से आशय होता है कि शेयर को कंपनी द्वारा किसी फाइनेंशियल या कहीं भी गिरवी न रखा गया, क्योंकि गिरवी रखा जाता है वो भी एक संकट का कारण होता है। तो प्लेज शेयर नहीं होने चाहिए, हुए तो बहुत कम हो। और इसके बाद जो मित्रों हैं, जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है वो है मैनेजमेंट। जो इन्वेस्टर हैं मिस्टर विजय केडिया, उनके मैं कोटेशन को बार बार दोहराता हूँ, वो कहते हैं मित्रों कि इन्वेस्टमेंट विथ बैड मैनेजमेंट इज लाइक ए स्लीपिंग विथ एनिमी, यानी बैड मैनेजमेंट के साथ पैसे निवेश करना उसी तरह है जैसे किसी दुश्मन के साथ सोना है। जैसे कोई दुश्मन कभी भी विश्वासघात कर सकता है, ठीक उसी तरीके से एक बैड मैनेजमेंट भी कर सकता है, धोखा दे सकता है। तो मैनेजमेंट की क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट की क्वालिटी का कैसे पता लगाए? मैनेजमेंट की क्वालिटी मित्रों विभिन्न समाचार पत्रों में हमेशा आए दिन खबरें आती रहती है। मनी कंट्रोल पे न्यूज पढ़ा करिए, ब्रोकर्स रिपोर्ट पढ़ा करिए, तो टीवी पर जो एनालिसिस आते हैं, जो उनके जो जानकारियां होती हैं उनकी जानकारियों को सुना करिए, कमेंट्री जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है क्वार्टरली रिजल्ट के बाद उसको देखा करिए। आप ये प्रयास करिए कि मैनेजमेंट पर कोई लांछन न लग रहा हो। मैं अभी आपको बताऊं मित्रों कि इधर पिछले कुछ दिनों से ब्रिटानिया के शेयर्स में अच्छी खासी गिरावट हो गई है। क्यों गिरावट आई है? तो गिरावट ये आई है कि जो ब्रिटानिया के हेड है मिस्टर नुस्ली वाडिया, उनका लड़का है नेस वाडिया, नेस वाडिया जापान में गया था, जापान में उसके ऊपर ड्रग रखने का आरोप लगा है और उसमें सजा हो गई है। सजा में हालांकि कुछ छूट दिया गया है कि अगली बार जो अपराध करेगा तब कुछ होगा, जो भी प्रावधान है वो एक अलग विषय है, लेकिन मैनेजमेंट पे इश्यू आया, ब्रिटानिया का शेयर गिर गया। इसके अतिरिक्त आप देखिए वीडियोकॉन ग्रुप को देख लीजिए, मिस्टर वेणुगोपाल धूत को, उनमें आईसीआईसी जो चंदा कोचर है उनके साथ मिलकर के कुछ घपलेबाजी का आया, वो शेयर पेनी स्टॉक बन गया। आप जेपी एसोसिएट को देख लीजिए कि मैनेजमेंट ने काफी कर्ज लिया, कभी दिक्कतें शुरू हुई कहां से कहां चला गया, वो सारा पेनी स्टॉक हो गया। इसी तरह से आप उठाइए दीवान हाउसिंग फाइनेंस को लीजिए। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कहां मित्रों 600-700 के लेवल पर काम कर रहा था, और एक कोबरा पोस्ट की कोई वीडियो वायरल हुई थी, तो वीडियो उसमें ससनी खेच कुछ आरोप लगाए थे कि मैनेजमेंट ने पैसे का कुछ लेन देन किया गलत तरीके से, शेयर धड़ाम हुआ। जो शेयर 600-700 के आसपास चला करता था आज की डेट में 150 के आसपास चला आया। इसके अतिरिक्त अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को देख लीजिए, मनपसंद बेवरेज को आप उठा के देख लीजिए, क्वालिटी डेयरीज को उठा के देख लीजिए,
ये तमाम मित्रों के मैनेजमेंट के खराब होने का खामियाजा शेयरधारक भुगत रहे हैं। तो हमें निवेश करने से पहले मैनेजमेंट को जरूर देखना चाहिए। मैनेजमेंट को कैसे देखना चाहिए, जैसे ही सब आंकड़े जो मैंने बताया आपको उन्हीं सब से देखना चाहिए। मैनेजमेंट की अच्छाइयाँ मित्रों, उनकी जो सिस्टर कंपनियाँ हैं वहाँ से भी पता किया जा सकता है, उसकी ग्रुप कंपनियाँ हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, हम अनिल अंबानी की बात करें, तो अनिल अंबानी ग्रुप की कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस निप्पन, रिलायंस डिफेंस, तो कई जो कंपनियाँ सब के सब खराब होती जा रही हैं। वही मुकेश अंबानी का देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो मैनेजमेंट का विश्लेषण करने से पहले हमको वो देखना चाहिए कि उसकी कितनी कंपनी, जैसे महिंद्रा को देखिए, महिंद्रा की कौन सी कंपनी है, महिंद्रा ऑटो है, महिंद्रा लाइफ स्पेस है, महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज है, महिंद्रा लॉजिस्टिक है, महिंद्रा टेक महिंद्रा है, जो है कंपनी ऐसी। टाटा को आप देखें तो टाटा ग्रुप में कितनी कंपनियाँ, TCS, टाटा ग्लोबल बेवरेज, टाटा मोटर्स, कितनी कंपनियाँ पड़ी हुई। तो यदि मैनेजमेंट खराब होगा तो उसके कंपनियों के प्रदर्शन में दिखेगा, और न्यूज़पेपरों को खंगालते रहेंगे तो उसमें मैनेजमेंट की कमियां होती हैं वो सामने आ जाती हैं। तो हमें अच्छे मैनेजमेंट के साथ बिजनेस करना है, हमें अच्छे मैनेजमेंट के साथ पैसा लगाना है। यदि हम अच्छे मैनेजमेंट के साथ पैसा लगाते हैं मित्रों, तो हमारा पैसा अच्छे से ग्रो होता है। तो ये रहा मित्रों मल्टी बैगर कंपनियों के बारे में, कि मल्टी बैगर कंपनियों को कैसे सेलेक्ट करें, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। वीडियो कैसा लगा, क्या इस जानकारी से कुछ आपको फायदा हुआ, तो उसकी टिप्पणी जरूर करें मित्रों। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।